नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में आज से 8 घंटे का नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। यानी कि तमाम बंदिशें जिनसे आप पहले भी 2-4 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप उनसे ही रूबरू होंगे। यूपी में 24 घंटे 7,695 नए कोरोना के केसेस 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 25,974। नोएडा में 1,149 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 1,115 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर की फेरिस्त यही रुकती नहीं है। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की कल अहम बैठक होने वाली है। पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। लगातार आला कमान एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में क्या होगा, नामों का तोल मोल होगा। कल शाम को 4 बजे बीजेपी के लखनऊ में अहम बैठक हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान मौजूद रहने वाले हैं। राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी बैठक का हिस्सा होंगे। वाई सत्य कुमार, सुनील ओज, संजीव चौरसिया भी बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, चुनावों की तारीखों का ऐलान और इस तारीख के ऐलान के बाद बेहद अहम ये बैठक बीजेपी की होने वाली है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, जिस पर सबकी निगाह टिकी रहेगी कि नामों का मंथन है, कौन कितना दमदार और बीजेपी को सत्ता के सफर तक कौन आगे बढ़ाएगा, इस पर सबकी निगाह रहेगी। देखिए पूजा, पहले चरण का चुनाव जिस तरीके से फरवरी में 7 तारीख को है, तो निश्चित तौर पर जो पहले चरण का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा, क्योंकि पश्चिम की पहला चरण पड़ रहा है, पश्चिम के कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली समेत तमाम जो जिले हैं वहां का चुनाव है, तो ऐसे में भाजपा कोशिश कर रही है कि कुछ जिताऊ प्रत्याशी भाजपा को चाहिए, क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से भाजपा का विरोध था, हालांकि भाजपा लमसम तकरीबन खत्म कर चुकी है वो विरोध, क्योंकि किसानों का विरोध था एक बड़ा, जिस तरीके से प्रदर्शन था लंबे समय तक चला रहा था, किसानों की बिजली की जो हाफ कर दिया था, भले ही नलकूपों को लेकर के किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो शिकायतें थी वो कहीं करीब करीब बीजेपी दूर कर चुकी है। अब मंथन है उन सीटों को लेकर के, या फिर जिताऊ प्रत्याशी कौन होंगे, या वो जाति के समीकरण पश्चिम में क्या है, ये सब तमाम चीजों को लेकर जो 24 लोगों की जो बैठक होनी है, कल कमेटी की बैठक होनी, उसमें उन नामों पर मोहर लगेगी। वो नामों की जो लिस्ट है नेतृत्व को जाएगी, फिर वहां से जब तक साबित जो नाम होंगे उन पर मोहर लगेगी। हालांकि कल महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, क्योंकि इस बैठक में कुछ मंत्री योगी आदित्यनाथ जो की कमेटी के सदस्य भी हैं और उसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात अनूप ये भी रहने वाली है कि चुनाव समिति में अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं है, उनको इस समिति से बाहर रखा गया है। पहले फेज का इलेक्शन जो है वो पश्चिम बेल्ट में करवाया जा रहा है, हो रहा है, माफ कीजिएगा, और अजय मिश्र टेनी इसमें नहीं है चुनाव समिति में। क्या लगता है कि उनका ना होना, पश्चिम बेल्ट में इलेक्शन होना, नामों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जो डिसाइड होंगे उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर पूजा बिल्कुल आप सही कह रही है कि पश्चिम क्षेत्र में ज्यादातर किसान बाहुल क्षेत्र है, वहां पर किसान तकदीर भी लिखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी बनाते हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से जो केंद्रीय से समय किसान नाराज है कि अभी लखीमपुर की घटना बहुत ज्यादा दिन नहीं हुई है, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि इस मामले से हमेशा दूर रखा जाए और इस बैठक लेकर के अगर वहाँ शामिल होंगे तो कहीं कहीं उस पर पश्चिम में कहीं फर्क की वजह से भाजपा अपनी गलती ये दोबारा नहीं कर ली करना चाहती, क्योंकि जो किसानों को लेकर अभी तक मतभेद चल रहा था किसानों और सरकार के बीच, कहीं ना कहीं भाजपा ने गलती समाप्त कर दी है, तो ऐसे में भाजपा कर काम कर रही है। कल बैठक के बाद निश्चित होगा कि किसान तरीके से पश्चिम में उनकी प्रत्याशी होंगे, जिताऊ प्रत्याशी, चुनावी समीकरण के हिसाब से जाति समीकरण क्या है, ये सब सब तमाम सब चीजों पर चर्चा होगी कल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
करें। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 और 17 के बीच में सपा बसपा सरकार में नोएडा में जमीन खरीद को लेकर 52,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसका सीएजी की रिपोर्ट खुलासा भी हुआ। वही उन्होंने इस दौरान बहुत कुछ कहा है। जब सपा और बसपा की सरकार थी, उस समय नोएडा अथॉरिटी में 52,000 करोड़ और एक एस्टिमेट के अनुसार 63,000 करोड़ रुपए इतना बड़ा आर्थिक घोटाला। इसी ने कहा कि चुनाव की घोषणा और उधर इस प्रकार के तथ्य सामने आने लगे जो साफ उन्हें प्रदेश की जनता। हमारा जहां तक है, हमारी सरकार के शासन में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ शासन नहीं हुआ। समाज के हर गरीब व्यक्ति जिसको आवश्यकता सभी प्रकार के आर्थिक संसाधन मुहैया कराते हैं, चाहे गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, शौचालय उपलब्ध कराना हो, कैसे उपलब्ध, मतलब फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों में हलचल भी शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा और कुछ अफसरों का नाम का जिक्र इसमें हुआ है और अपील की गई है कि उनको वर्तमान पदों से हटा दिया जाए, ताकि इन सभी को पदों से हटाए बगैर यूपी में स्वतंत्र निष्पक्ष या फिर भी चुनाव संभव नहीं है। राजेंद्र चौधरी ने ये पत्र लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और उसमें जिन अवसरों का जिक्र है उसमें मुख्य उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव हैं मनीष अवस्थी, उनका जिक्र है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का जिक्र है, नवनीत सैगल का जिक्र है और एडीजी अमिताभ यश को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की गई। तो वही आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही देश की जनता से एक बार मौका मांगा है। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी वर्चुअल रैली के पक्ष में है। वही पक्ष पर हमलावर होते हुए संजय सिंह ने कहा कि यार जो बेरोजगारी के कारण बस्ती में व्यक्ति ने अन्य राज्यों में चुनावी महापर्व के तारीखों का ऐलान हो गया है और मैं बधाई देना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि उन्होंने कोविड के खतरे को देखते हुए, कोरोना के संकट के खतरे को देखते हुए जो निर्णय लिया है चुनाव प्रचार का, और उसकी बाध्यता सारे दलों पर हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का, क्योंकि लोगों का जीवन सर्वोपरि है, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले पहल करके जब आदित्यनाथ जी रैलियां कर रहे थे, मोदी जी रैलियां कर रहे थे, हमने कहा नहीं, हम वर्चुअल सभा करेंगे। यूपी में चुनाव हो चुका हो या फिर चुनाव आने वाला हो, सरकारी अफसरों को भ्रष्टाचार की फाइल दबाने की काम में लगातार उनके जो काम है वो जारी रहता है। मामला बाराबंकी जिले से, यहाँ पर करीबन 12 करोड़ की आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले एक चेयरमैन के घोटाले की फाइल दबाने के आरोप में 4 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल इन अधिकारियों पर घोटाले के आरोपी का जो केस है उसको दबाने का आरोप लगा है। इन अफसरों की पैरवी में नियुक्ति विभाग के एक अफसर भी घेर में आ गए हैं। इन्होंने लोक आयुक्त पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं अब एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने नियुक्ति विभाग, अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर सभी पर कार्रवाई करने के लिए कहा। शिकायत में करीबन 12 करोड़ की जमीन रुपए कमाने का आरोप लगा था। अगली खबर बांदा जिले से है, जहां पर एक मोबाइल चोरी करने वाले युवक का वीडियो सामने आया।
बताया ये जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के बाहर स्टेशन से घर जा रहे व्यक्ति का चोर ने मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद वहां लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवानों ने युवक को गिरफ्तार किया। लोगों का ये भी कहना है कि इलाके में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। विधानसभा चुनावों की तिथि के साथ ही तमाम राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार के प्रशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। थैंक यू इलेक्शन कमीशन, जिस घड़ी का सारा देश पंजाब से पांचों राज्यों की जनता जनार्दन बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, आपने इन पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर की चुनाव की घोषित कर दी। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के बाद ही प्रदेश आचार संहिता भी लागू हुई है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले के डीएम मयूर दीक्षित ने आगामी विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष पारदर्शिता और आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 जिलों का रुख करेंगे। हरिद्वार में सड़क पर खेतों के पास तेंदुए के बच्चे की मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने मामले शुरू की है। हरिद्वार में लगातार जारी कोरोना महामारी का प्रकोप, एक दरोगा सहित 2 पुलिस कर्मियों में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग कोरोना की रोक के लिए लगातार प्रयासरत है। नशे को लेकर कुमाऊं में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने 512 ग्राम स्मैक के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए स्मैक की कीमत बाजार में 50 लाख आगे जा रही है। लखनऊ की समाजवादी पार्टी ने बिजली सहयोग योजना का लिंक जारी किया है। लिंक पर क्लिक करने से भरना होगा फॉर्म। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। रुद्रपुर में चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने 36 पैकेट में 1 क्विंटल 525 ग्राम गांजा की बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। उदयपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, तो वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा सहित बाइक भी बरामद की। चंदौली में सरकारी गल्ले की दुकान से नहीं मिल पाया कार्ड धारकों को दिसंबर महीने का राशन। कार्ड धारकों को राशन बांटने से पहले ही बंद हो गई दुकान। हरदोई में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। रात को गिरे ओलों से सड़कों पर सुबह सफेद चादर बिछी नजर आई। ओलों के गिरने से फसलों को पहुंचा है काफी नुकसान। बुंदेलखंड में 3 दिनों से जारी बरसात ने खेतों में खड़ी फसलों पर पानी फेर दिया। हजारों एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई, किसानों को काफी नुकसान। रायबरेली में गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बाल बाल ड्राइवर और क्लीनर दोनों बचे हैं। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर वृद्ध मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उत्तरकाशी में कई दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फ की सफेद चादर सड़कों पर भी गिरी नजर आई। मिर्जापुर में गाड़ी में लदे 10 लाख के अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कानपुर देहात में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। दबंगों ने एक युवक की धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीट पीट कर गुप्त तरीके से हत्या कर दी। बाराबंकी मीडियम समेत 4 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। करीबन 12 करोड़ के घोटाले की फाइल दबाने की आरोप लगे। लखनऊ में प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह पर महिला सब इंस्पेक्टर ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। परेशान होकर महिला सब इंस्पेक्टर ने इस्तीफे की बात की। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। शराब के नशे में पक्षों ने मारपीट करी, तो वहीं सहारनपुर में पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चरस भी बरामद किया। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 24 दिसंबर को हुई एवी ड्राइवर मुकेश की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बादाम में रेलवे स्टेशन के बाहर मोबाइल चोर को पब्लिक ने पीटा है। स्टेशन से घर जा रहे के साथ में छिनैती की घटना को अंजाम दिया गया। कासगंज में बीते दिन हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी पति को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की तैयारी कर रही है।
बंगाल की खाड़ी तक की पैदल यात्रा पर निकले अल्ट्रा मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अतुल कुमार चौकसे का मिर्जापुर नगर के पक्का घाट पर पहुंचने पर जागरूक जनों ने स्वागत किया। उत्तरकाशी में शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते मकान भर भरा कर गिर गया। वही मकान गिरने से कोई क्षति नहीं पहुंची। एटा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया, दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए की कीमत का 251 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। रामपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हमला हुआ घटना को अंजाम देकर मौके से रफ चक्कर समर पहुंची पुलिस हमले की तफ्तीश की है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज बहुत बेहतर। नमस्कार।